बहुत बहुत धन्यवाद मधुरी को और आज के इस पूरी पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिनकी आज जन्मतिथि है, जिनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं और प्रभावती दीदी जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, इसकी संस्थापिका हैं। साथ ही नमन करती हूँ जिनके प्रेरणा के स्रोत से प्रभावती दीदी ने इस संस्था की स्थापना की, अपने बापू। नमन करती हूँ इस संस्था के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, सहयोग किया, अपना बलिदान दिया, पूरे जीवन को समर्पित किया, आज उन सभी के नमन का दिन है। क्योंकि जयप्रकाश जी भी, मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि जब वो देखेंगे कि उनके साथ जिन लोगों ने वास्तव में उनका साथ दिया है, उनकी श्रद्धा यहाँ की जा रही है। यह परिसर ममतामयी परिसर था, इसकी स्थापना बापू के प्रेरणा स्रोत से प्रभावती देवी ने महिला चरखा क्लास के रूप में 1940 में की। आप सबों को शायद विदित होगा, मैं जानकारी के लिए दे दूं कि हुआ यूँ था कि साबरमती आश्रम में प्रभावती दीदी बापू की दत्तक पुत्री बनकर रह रही थी और जब वो बिहार में आई 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उस समय बापू ने देखा कि महिलाओं को जब संगठित करने की बात हुई तो महिलाएं यहाँ बहुत कम थी और गुजरात से महिलाओं को लाना पड़ा था। आज़ादी का वो जुनून था जिसमें बगैर महिलाओं के शायद आज़ादी बापू की कल्पना में नहीं थी। वो चाहते थे कि हर महिला इस आंदोलन में शरीक हो और इसके लिए उन्होंने प्रभावती से आग्रह किया कि तुम महिलाओं को संगठित करो। इसके लिए महिला चरखा क्लास में हिंदी साहित्य सम्मेलन में ये महिलाओं को संगठित करने के लिए शुरुआत इसकी की गई और बाद में महसूस किया गया कि ऐसे सिर्फ महिला चरखा क्लास के रूप में आंदोलन की रचनात्मक कार्य में महिलाएं शरीक हो रही है, लेकिन जब आंदोलन में शरीक होना है तो एक संस्था बननी होगी, एक संगठित रूप देना होगा, जिसके लिए इस भूमि को लिया गया और यहाँ पर भवन बना। 1952 में यह एक महिला चरखा समिति के नाम से रजिस्टर्ड संस्था बनी और इसकी विभिन्न प्रवृत्तियां बनी। आज का विषय है हमारा आजादी की लड़ाई, जयप्रकाश नारायण 1942। मैं आपको बताऊं कि 1942 में जो आप सात शहीद का स्मारक देख रहे हैं, यहाँ की महिलाएं 200 महिलाओं का नेतृत्व करती हुई प्रभावती दीदी ने नेतृत्व लिया था और 200 महिलाएं यहाँ से गई थी मशाल लेकर। यहाँ तक कि जब वो शहीद हुए लोग मशाल लेकर पांच घाट तक भी लोग सभी महिलाएं गई तो यह और उस समय उन्हें फिर सबको अरेस्ट कर लिया गया था। उसी समय से प्रभावती दीदी भागलपुर जेल में गिरफ्तार हुई, वहां रही और जब बाप आगा खां पैलेस में थी वो बीमार पड़ी तो उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि नहीं मुझे प्रभावती चाहिए सेवा के लिए और उस समय की सरकार उनकी बात को सरकार ने माना और प्रभावती को भेजा गया आगा खां पैलेस। कस्तूरबा उनकी गोदी में अपनी अंतिम सांस ली। आप देखेंगे यहाँ के म्यूजियम में कस्तूरबा की छुरी, कस्तूरबा का सिंदूर सारा रखा हुआ है जो अंत में प्रभावती दीदी लाए। तो यह एक भावनात्मक ममतापूर्ण और साथ में एक संघर्षपूर्ण एक क्रांति सब यहीं से पनपा और यही वो जगह है जहाँ जेपी निवास करने लगे। जेपी निवास के रूप से इसने प्रसिद्धि पाई। जेपी अंतिम सांस आप देखे होंगे, यहाँ एक शयन कक्ष है जहाँ पर जेपी सोते थे, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली।
उस कुर्सी पर बैठते थे जहाँ से वो उनके विचार आज सभी जगह फैल रहे हैं। सभी लोग उस विचार को, उस क्रांति को, आप सब क्रांति की बात कर रहे हैं, संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, वो सारे विचार इसी परिसर से गूंजे हैं और उसकी क्रांति की को लेकर मशाल लेकर हमारे यहाँ बहुत से भाई बहने हैं जो उस क्रांति में, जैसे भी मधुदी, विभादी, सब पीलंदी, सब लोग आपको गवाह देंगे कि किस तरह से उन लोग संघर्ष वाहिनी में आगे बढ़कर कार्य किए और किस तरह से। तो यह जेपी का व्यक्तित्व था जिसकी मधुदी चर्चा कर रही थी, वैसे व्यक्तित्व का मैं नमन करते हुए आप सबों को जेपी के इस जयंती में स्वागत करती हूँ। हमारे कण-कण में हवा के उस हर चीजों में, हवा में, इस दीवार की एक एक मिट्टी में, घास में, पेड़ में, पौधा में, जहाँ आप देखेंगे वहाँ पर प्रभावती दीदी और जेपी की गूंज है। उस गूंज को हम सुने, उस गूंज का अनुभव करें और आज उनके विचारों को लेकर चलें तो हम सही श्रद्धांजलि और उनकी सही जयंती मना पाएंगे। मैं नमन करती हूँ आप सबों का। मैं स्वागत करती हूँ अपने बीच उपस्थित अपने अध्यक्ष महोदय का आज की सभागार में। हमारे अध्यक्ष जो हमारे संचालक मंडल के युवा वृद्ध कहते, मैं एक बार मैंने गलती से कह दिया वयोवृद्ध, तो बोला आपने तो मुझे बूढ़ा बना दिया। तो हमारे सबसे युवा सदस्य जो आज हमारी इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिन्हें मैं बाबा कहती हूँ, डॉक्टर शिवंश पांडे जी, मैं स्वागत करती हूँ अपने बीच उपस्थित आप लोगों को। मैं जानकारी के लिए दे दूँ, आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो मेरे गुरु हैं। मैंने पीएचडी किया है उन्हीं के अंदर, डॉक्टरेट की उपाधि ली है उन्हीं के अंदर में, तो वो मेरे गुरु हैं और मेरे पति के गुरु भाई हैं। नेत्रहार से इनका संबंध है, वो मेरे पति के गुरु भाई हैं और मेरे लिए गुरु। और गुरु को आप समझ सकते हैं कि गुरु को देवता की उपाधि दी गई है, तो मेरे लिए वो उसी स्वरूप हैं। मैं उनका नमन करती हूँ, मैं नमन करती हूँ अपने बीच उपस्थित श्री विजय प्रकाश जी का, जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे संचालक मंडल के स्थायी सदस्य भी हैं, आमंत्रित सदस्य, हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। मधुदी जो हमारी आज की मंच संचालिका हैं, मंच संचालिका अपने आप में पूरे कार्यक्रम को अपने मुट्ठी में बांधे रहती हैं, तो आज हम लोग सब उनकी मुट्ठी में बंधे हुए हैं। उनका नमन करती हूँ, मैं नमन करती हूँ अपने बीच उपस्थित संचालक मंडल की सदस्य, हमारी सीनियर सदस्य, वरीय सदस्य उमा दी हैं, किरण दी हैं, और हमारे बीच इतने लोग उपस्थित हुए हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन से लोग आए हैं, विद्यापीठ से लोग आए हैं, हमारे अपने महिला चरखा समिति के मेरी सहकर्मी हैं, हमारे कुछ युवा जो जेपी से बहुत प्रभावित हैं। मैं तो ये कहूँगी कि सभागार में वही उपस्थित हैं जो जेपी के साथ अपना थोड़ा भी भावनात्मक संबंध रखे हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबों का, और जो आज सभागार में नहीं भी उपस्थित हैं लेकिन जेपी का उनके मन में एक आदर है, उनके लिए उन्होंने कुछ किया है, मैं सबों का